देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवा दुखी है, और इसलिए दुखी है कि नौकरी नहीं मिल रही। अग्निवीर यहाँ क्या है, ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है मजबूत लोगों का है, योद्धा लोग हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, और उसके ऊपर वो अग्निवीर लेके आ गए, जैसे उनके साथ मजाक कराए रक्षा और सुरक्षा के ऊपर। आप सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हो उन लोगों को, तो बहुत नाराजगी है युवाओं के अंदर। महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब पेंशन नहीं मिल रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो आज एक हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, बहुत नाराज है सरकार से। और रामगढ़ का आम चुनाव है, लेकिन इसके अंदर मुख्यमंत्री आ गए, बाबा बालकनाथ आ गए, और अभी सुना है सतीश पूनिया जी भी आ गए। इतना बड़ा चुनाव क्यों बना दिया, बीजेपी ने बनाया या कांग्रेस ने इसे? नहीं, देखो, हमारा चुनाव तो देखो जनता वोट देती है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री ये सब आ रहे हैं यहाँ। पिछले 11 महीने में क्या उनने काम करा है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। हर चुनाव के अंदर हिसाब का समय आ जाता है, तो वो बताएं तो सही उनने क्या काम करा है। और ये बाहर से लोग आ जाते हैं, इनसे कोई नहीं पूछता है। ये 13 तारीख के बाद एक आदमी भी, ये जितने मंत्री बड़े बड़े घूम रहे हैं, ये आम जनता को अपने घर के अंदर भी घुसने दे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। देश को 78 साल हो गए आजाद हुए, शेरपुर बाबा लाल दास की जो गांव है उसके अंदर आज भी महिलाएं 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती है। पिछले 10 साल से अगर मैं बात करूं, विशेषकर 6 साल से यहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे, चाहे साफिया खां हो चाहे जुबेर खां, तो उसके बावजूद भी उन महिलाओं को आज भी 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। देखिए, जो काम करवाया जुबेर जी ने, साफिया जी ने और कांग्रेस सरकार ने, आपने देखा है कितनी सारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद कितनी सारी बनी है, यहाँ बहुत सारी SDM हेडक्वार्टर बने हैं, यहाँ नगर पालिकाएं के साथ साथ पंचायत समितियां बनी हैं, तो बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, अस्पताल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर करोड़ काम हुआ है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी पानी की हम बात कर रहे हैं समस्या, आज 1-1 हज़ार फुट पानी नीचे